होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इस मुहावरे को चरितार्थ करते हैं जमुई के सिकंदरा प्रखंड के हदीद खान, जो न तो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं और न ही कभी गांव के बाहर किसी कोचिंग ट्यूशन में गए। पिता पंक्चर की दुकान चलाते हैं, गांव के सरकारी स्कूल और फिर सरकारी कॉलेज से उच्च शिक्षा पूरी की और अब हदीद खान ने 66वीं BPSC की परीक्षा पास कर परचम लहरा दिया है। 66वीं BPSC की परीक्षा में 80वां रैंक लाकर हदीद खान अब BDO बनेंगे। संघर्ष और सफलता की कहानी में सबसे गौर करने वाली बात जो है वो उनका फैमिली बैकग्राउंड है। हदीद के पिता आज भी फुटपाथ पर पंक्चर बनाते हैं। सिकंदरा के पोहे गांव निवासी समीम खान के पुत्र हदीद खान ने कड़ी मेहनत व दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते BPSC की 66वीं संयुक्त परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे ज़िले को गौरवान्वित कर दिया है। BPSC की परीक्षा में 80वां रैंक हासिल करने वाले हदीद खान की सफलता इस मायने में भी खास मानी जाती है कि उन्होंने बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी पढ़ाई घर पर रहकर सरकारी स्कूल से की है। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले हदीद खान के पिता समीम खान सिकंदरा के जमुई रोड स्थित भगत पेट्रोल पंप के आगे फुटपाथ पर टायर का पंक्चर बनाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद हदीद ने अपने लगन और कड़ी मेहनत के बल पर इतिहास रचने में सफलता हासिल की है। पोहे गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय से 8वीं तक पढ़ाई करने के उपरांत हदीद ने सिकंदरा स्थित +2 श्री कृष्ण विद्यालय से 2014 में 70% अंक के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। वहीं 2016 में +2 श्री कृष्ण विद्यालय से ही 74% अंक के साथ उन्होंने इंटर की परीक्षा में स्कूल टॉप किया। घर पर रहते हुए ही हदीद मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। इस दौरान आर्थिक समस्याओं को देखते हुए BPSC की तैयारी करते हुए हदीद ने सिकंदरा में ही 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 2019 में स्नातक की डिग्री हासिल करने के उपरांत हदीद बेहतर तैयारी की उम्मीद के लिए पटना चले गए, लेकिन कोरोना महामारी ने एक बार फिर से हदीद को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद वह पिछले 1.5 वर्षों से पटना में रहकर तैयारी करते रहे। आखिरकार हदीद की कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया और बुधवार की रात BPSC के द्वारा घोषित परिणाम में 80वां रैंक हासिल करते हुए अपने पहले ही प्रयास में BDO के पद पर चयनित हुए। हदीद की इस सफलता पर परिवार के साथ ही पूरा गांव समाज गौरवान्वित है। संग्राम के पूर्व के या बाद के कोई ऐसा शख्सियत जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया है और जिसने आपको प्रेरणा दी? सर, इसमें भगत सिंह का से हम काफ़ी प्रेरणा लेते हैं सर, क्योंकि युवाओं के वो आदर्श है तो उनसे भी हम काफ़ी प्रेरणा लिए सर, और महात्मा गांधी उनके आदर्शों से सर, आज भी भारत उनके आदर्शों पर चलता है सर, और उनके आदर्शों पर हम भी चलते हैं, तो उनका काफ़ी सर जो है संघर्ष के प्रति उनका जो मार्गदर्शन रहा सर वो काफ़ी काम है। और हम सर आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरा चयन हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है। एक सवाल है हमारा हदीद आप से। हम जो है चाहते हैं कि आज़ादी का जब भारत 100 साल पूरा करता होगा सर, तो उस समय हम भारत की सेवा में सर एक बड़े पद पर आकर भारत की सेवा करें। एक सवाल है हमारा, सिकंदरा में मुस्लिम समुदाय में आपने पहली बार ये पद निकाला है, आप यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देंगे? सर, यहाँ के युवाओं में सर प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन का अभाव है सर, और मैं चाहूँगा कि मैं अगर सिकंदरा में रहूँ सर तो इस मार्गदर्शन के जो अभाव है उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा सर, और जितने भी टैलेंट युवा है सर मैं उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा सर, और भी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सर उनको भी मैं मोटिवेट करने का प्रयास करूँगा, चूँकि जमुई ज़िला प्रतिभाओं की धनी है सर, और अगर इसके प्रतिभाओं को निखारा जाए तो अपना जमुई जो है बिहार में अग्रिम स्थान पर आए। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत सफलता, आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कहाँ से तैयारी की और कैसे तैयारी की इसके बारे में ज़रा बताइए। जी सर, BPSC 66वीं से 2020 में हम भरे, तो इसकी पढ़ाई हमने स्टार्ट पटना से की और पटना से ही रह करके विदाउट कोचिंग के, लगभग नहीं के बराबर कोचिंग करके जो है इसको फर्स्ट प्रयास में हम इसको उत्तीर्ण किए और 80वां स्थान लाए। प्राइमरी एजुकेशन मेरा जमुई रोड में स्थित फेरीलैंड पब्लिक स्कूल में हुई, उसके बाद फिर जो है हमने पोहे से उत्क्रमित मध्य विद्यालय से 8वीं पास किए, और हमारा 10th और 12th जो है वो सिकंदरा SKB हाई स्कूल थे,
ग्रेजुएशन मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया 2019 में, और बीच में मेरा फर्स्ट प्रयास था, फर्स्ट भेजे थे बीपीएससी और इसमें हमने 80 रैंक लाए। अच्छा, ये पहला प्रयास। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, इसका श्रेय जो हमारे अभिभावक हुए सर, माता पिता, उनके संघर्षों को देखते हुए सर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी उसी की तरह संघर्ष करूं, लेकिन इस संघर्ष को मैं शिक्षा के क्षेत्र में मोड़ूं। और यही संघर्ष की प्रेरणा वही रही सर, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने दिया, और यही संघर्ष के बदौलत हम फर्स्ट प्रयास में जो है आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में चयनित हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम खान। सलीम जी, आपके बच्चे जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद निकाले, अच्छा 6वीं बीपीएससी निकाले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाह रहे हैं कि अगर उसका हो ही गया नौकरी तो बहुत अच्छी बात है, और उसका जो आगे सोच है सोच के लिए वो तैयारी करें, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत जो कर रहे हैं। उसकी पढ़ने की लगन पहले से थी? पढ़ने की लगन पहले से थी और बहुत टैलेंट रखा था, वन क्लास से लेकर के अभी तक जो भी फर्स्ट बारह अच्छा ही चल रहा है। आज पहली बार 22 साल की उम्र में। आप क्या करते हैं? मेरा टायर का दुकान है। टायर का दुकान है? हाँ।